जी, नगर वासियों से मेरी अपील है, सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, और नगर को नेता नहीं चलाएगा, नगर को शहरवासी चलाएंगे, आपका बेटा चलाएगा, नौजवान चलाएगा। और अगर हमने हिम्मत किया है तो आप सभी गार्जियनों से, आप सभी अभिभावकगणों से, आप सभी युवाओं से, छात्रों से, मजदूर तबके के लोगों से, खासकर फुटकर विक्रेताओं से मेरा अनुरोध है कि मेरे क्रम संख्या 14 पर टेबल छाप के निशान पर मोहर लगा कर अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 18 दिसंबर को अररिया में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में वोटिंग होगा और 20 दिसंबर को इसका नतीजा आएगा। सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। तो हमारे स्टूडियो में आज मेरे साथ हैं साकिब रेजा, जो पहचान के मोहताज नहीं, आप सब तक ये पहुँचे होंगे बखूबी, सबसे इन्होंने मुलाकात की। उन्हें इतने दिनों का जो सफ़र इनका रहा है, कैसा सफ़र रहा है, लोगों के बीच गए, लोगों से मिले, और चुनाव आज थम जाएगा, चुनाव प्रचार और कल वोटिंग होगी। लोगों के बीच साकिब जी आप गए, इतने दिनों से, इतने महीनों से आप मेहनत कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील्ड बना है आपका, और लोगों के मन में क्या क्या देखा आपने, कैसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव में क्या लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ मुखातिब हो रहे हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन भाई मौका देने के लिए, और नगर की सारी जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज तक का यह सफ़र बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा, मेरे करियर का, मेरे ज़िंदगी का। वाकई ये बहुत अच्छा अनुभव है, अपने लोगों से जुड़ना, अपने शहर वासियों से जुड़ना, तो निश्चित तौर पर यह खूबसूरत सफ़र कहा जाए। अभी तक मैं अपने लोगों से उनकी समस्याओं के लिए, उनकी दैनिक ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों के लिए मिलता जुलता रहा हूँ, उनकी समस्याएं जानने का, उनके सुख दुख जानने का प्रयास करता रहा हूँ। क्योंकि एक कैंडिडेट होने के नाते जब आप फील्ड पर जाते हैं तो लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं आपसे रहती है, तो एक अच्छा इंसान होने के नाते मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर उन्हें हल करने की कोशिश करूँ। इसके साथ साथ एक कैंडिडेट होने के नाते मैं लोगों को जागरूक भी करता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे लिए वोट करें, आपकी समस्याएं क्या है, उनको सॉल्व कौन कर सकता है, उसका ब्लूप्रिंट किसके पास है, जो बेहतर कैंडिडेट हो आप उनको वोट कर दें। तो अभी तक का मेरा सफ़र ऐसा रहा है जी। आज तो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, क्योंकि आपने अभी कहा कि अवेयरनेस ला रहे हैं लोगों में, जो अच्छे प्रत्याशी हैं उसको चुने, तो उनमें से आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मेरे लिए ये चुनाव महज एक चुनाव नहीं, इस चुनाव में लोगों का जो समर्थन मिला है, जो लोगों ने मोहब्बतें दी हैं, जो लोगों ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, दुआएं दी है, उनका मैं कर्जदार हो गया हूँ एक तरह से। तो जीत मायने नहीं रखती है, मेरी जीत इसी में है कि लोगों ने मुझे इस उम्र में, इतने कम समय में इतनी मोहब्बतें दी है। चूँकि लोगों के पास मुद्दे लेकर गया हूँ मैं, उन्हें ठगने नहीं गया हूँ, लोगों को जागरूक करने गया हूँ, उनके सुख दुख का भागी बनने गया हूँ, मैं सिर्फ वोट मांगने नहीं जाता हूँ लोगों के पास। लोगों से जुड़ना वाकई अच्छा लगता है जब आप उनके सुख और दुख को सुनते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है जनता से जुड़ूँ, मुद्दों की बात करूँ। और जहाँ तक जीत और हार की बात है तो आप देख ही रहे हैं कि शहर में क्या चल रहा है जी। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि 14 प्रत्याशी हैं टोटल चेयरमैन की अगर बात करें तो, और कई दिग्गज भी हैं इस अभी चुनाव में, दिग्गज भी चुनाव लड़ रहे हैं, और आप एक छोटे से युवा नौजवान, इस बीच में अपने आप को कहाँ देखते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि दिग्गज प्रत्याशी हैं। दिग्गज किस लेवल पर मानते हैं, भ्रष्टाचार के दिग्गज, नगर को लूट खाया है इसके दिग्गज, या फिर जिन्होंने 10 साल 15 साल विभिन्न पोस्ट पर रह चुके हैं, आज आप नगर की हालत देखिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए वोट मांगने जाने के लिए। और जनता जागरूक है, चेयरमैन का चुनाव पहले प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता था तो ये लोग चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर मलाई खाते थे, आज ये लोगों के बीच किस मुंह से जा रहे हैं, क्या अपने मुद्दे लेकर जा रहे हैं, मुद्दे किस मुंह से लेकर जाएंगे, क्योंकि नगर की जो आज स्थिति है इन्हीं लोगों की वजह से है। तो मैं कहना चाहूँगा
जनता देख रही है, आप भी देख रहे हैं कि नगर में चेयरमैन सीट की नीलामी हो रही है। मैं 5 करोड़ खर्चा करूंगा, मैं 10 करोड़ खर्चा करूंगा, मैं इसको खरीदूंगा, मैं उसको खरीदूंगा, एक एक व्यक्ति को खरीदने की कोशिश हो रही है। जहां तक सवाल मेरा है कि मैं अपने आप को कहां पाता हूं, तो बस मैंने पहले भी कहा कि लोगों का प्यार मोहब्बत जो मिला, मैं उनका कर्जदार हो गया हूँ। मेरे लिए जीत मायने नहीं रखती है, लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरी यही जीत है। मुझे 5 वोट भी आए, लोगों ने जितना प्यार दिया है मैं इसी में खुश हूँ और यही मेरी जीत है। और मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले नीलामी करवा लो, आप जो लोगों को खरीदने का यह तरीका बना रखा है, आप चेयरमैन सीट की नीलामी करवा लो, बेहतर ये रहेगा। पहले आप वार्ड पार्षदों को खरीदा करते थे, अब आप नगर के एक एक लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं लोगों से कुछ अपील भी करना चाहता हूँ। देखिए, नगर का चुनाव है, आप नगर का सेवक चुनने जा रहे हैं। यहाँ रिश्तेदारी, जाति, व्यापारिक संबंध, सारे संबंधों को आप अलग करते हुए नगर के लिए, आपके लिए जो बेहतर है, नगर का सेवक चुने, अपना रिश्तेदार नहीं। और नगर के जागरूक लोग, शिक्षित लोगों से भी मैं अपील करता हूँ, आप लोगों को आगे आना होगा, समाज में जागरूकता लाना होगा। किसी का समर्थन, किसी का विरोध करने से नगर आगे नहीं बढ़ने वाला है। आप लोगों से खास तौर पर अपील है, समाज के सारे जागरूक लोग एक साथ आए। और ये हवा जो बन रहा है, लोग कह रहे हैं हवा किसका है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि हवा किसका है, मैं उधर ही जाऊंगा। आप भी बखूबी जान रहे हैं कि ये हवा कैसे बनाया जा रहा है। लोगों को चाय दुकान पर, अपने लोगों को चाय दुकान पर पैसे देकर बैठाया जा रहा है, आप मेरे बारे में बोलिए। लोगों को सड़कों पर घुमाया जा रहा है नशे का लालच देकर, नशे के लिए लोगों को पैसा दिया जा रहा है, आप मेरा हवा बनाइए। तो इन हवा पर नहीं जाना है, ये गंदी हवा है। मैं नगर के लोगों से अपील करता हूँ, इस गंदी हवा में आप सांस ना लें, बेहतर है आप अपने विवेक से फैसला लें। मैं जहाँ भी गया हूँ, अपने वोटरों को मैंने समझाया है, जागरूक किया है, मुद्दों की बात की है, उनका दिल जीता है। तो मैंने जिनका दिल जीता है वो अपने सीने में रख लिए होंगे कि नहीं, प्रत्याशी अच्छा है, अच्छी बात कर रहा है, इसको मैं वोट दे दूंगा। अब वो मेरे नाम का नारा तो नहीं लगाएगा पूरे मोहल्ला में घूम के, रोड पर, सड़क पर, चाय दुकान पर। आपको पहचानना होगा कि ये हवा बनाने वाले, नारा लगाने वाले वो लोग हैं जो कैंडिडेट का पैसा खाकर, चाय दुकान पर बैठकर, सड़कों पर घूमकर, मोहल्लों में घूमकर हवा बना रहे हैं। आप जो जाहिर करते हैं कि मैं इनको वोट दूंगा, आप एक बार उनकी तरफ देखें कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। एक जागरूक व्यक्ति हवा बनाने की कोशिश नहीं करता, और अगर वो हवा भी बनाएगा तो आपको जागरूक करके हवा बनाएगा। अगर वो किसी के बारे में वो बोल रहा है कि आप इसको वोट दें, तो आप उससे पूछें कि इसमें आपने क्या देखा कि आप इसकी सिफारिश कर रहे हैं, उसके लिए पैरवी कर रहे हैं कि उसको वोट दिया जाए। ये नगर की जनता है, सब समझ रही है, कहीं कोई हवा नहीं है। और मेरे जो वोटर हैं वो साइलेंट है, इस बार नगर को देखने को मिलेगा कि साइलेंट वोट क्या होता है। भले ही आप पैसों की ताकत लगा लें, और मैं ये भी कहता हूँ, जो कैंडिडेट पैसे बांट रहे हैं, भरपूर बांटे। नगरवासियों से अपील है कि आप उनका इतना पैसा खर्चा करवाएं ताकि आने वाले इलेक्शन में इन लोगों को एक मैसेज मिले और समाज में एक मैसेज जाए कि पैसा खर्च करने से इलेक्शन नहीं जीता जाता है, ताकि आने वाले दिन में कोई पैसे का इस्तेमाल करके नगरवासियों को बेवकूफ ना बनाए। अपील है आप लोगों से, इनका इतना पैसा खर्चा करवाए, इन लोगों को सबक मिले कि पैसे से कुछ नहीं होता है, पैसे से आप वोट नहीं खरीद सकते हैं। लोग जाएंगे कल वोट करने के लिए, ऐसे जब लोग वोट करने कल जाएंगे, ऐसे लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, आप अपने लिए क्या कहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, आपके बीच से निकलकर मैं आप जैसा ही हूँ, मैंने हिम्मत किया है। किसी को तो अपने शहर के लिए आगे आना होगा, हिम्मत करना होगा इन लोगों से लड़ने के लिए। मैं आपका छोटा भाई हूँ, बहुत सारे मेरे युवा साथी हैं, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ। अगर मैंने हिम्मत किया है तो आपका भी फर्ज है कि अपने बेटे का, भाई का, दोस्त का, नौजवान का साथ दें। अभी यहाँ एक ही नारा लगाइए कि शहर को नेता नहीं, शहर का युवा नौजवान चलाएगा, शहरवासी चलाएंगे शहर को, नेता नहीं चलाएगा। और अब नेता से होने वाला है भी नहीं। मैं इन नेताओं को एक संदेश देना चाहता हूँ, आप ये आखिर कब तक करेंगे? पैसों का खेल बंद कीजिए, इससे समाज में बिगड़ाव आ रहा है, समाज का माहौल खराब हो रहा है। आप ये पैसा बांटकर सिर्फ ये नहीं सोचिए वोट ले रहे हैं,
पूरे समाज का आप माहौल खराब कर रहे हैं। और लोगों से भी अपील है, ये पैसा आपका 5 दिन 10 दिन चल सकता है, कमाना खाना फिर आपको ही है, आपको ही अपनी मेहनत करनी है। ऐसे लोगों को चुने जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे, जिससे आप दो बातें कर सके। आपको क्या लगता है कि जीतने के बाद ये आपके द्वार पर आएंगे, आपकी बात सुनेंगे? इनके वर्कर जो पैरवी कर रहे हैं, ये आपकी बातें नहीं सुनेंगे, ये खुद बिक चुके हैं, इन्हें खुद लालच है, फलाने योजना में मुझे टेंडर मिलेगा, फलाने चीज़ में मुझे कमीशन मिलेगा। तो ऐसे लोगों से बच कर रहना है जो समाज में वोट के ठेकेदार बने फिर रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर मुझसे भी अच्छा कैंडिडेट है तो आप उनको चुने, काम करने वाले को चुने। साकिब, अभी 2 दिन पहले आपने एक रैली निकाला था, काफ़ी सारे लोग आए, उसमें काफ़ी समर्थन मिला आपको, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि रैली निकालने का क्या फ़ायदा हुआ? जी, मैंने रैली की थी क्योंकि मेरे सारे दोस्त साथी, मेरे सारे नगरवासी जो मेरा समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों की ख्वाहिश थी कि एक रैली हम भी करें, लोगों के बीच जाएं, लोगों से कनेक्ट हों। तो मेरे दोस्त जो बाहर पढ़ते हैं, जो बाहर जॉब करते हैं, नगरवासी, मेरे रिश्तेदार, सारे लोग आए थे। इन रैलियों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि कल तक काफ़ी रैलियाँ हुई हैं, तो इन रैलियों को आपने देखा, रैली में बहुत बड़ी भीड़ थी, सारे प्रत्याशियों के रैली में बहुत बड़ी भीड़ थी। तो इस भीड़ के बारे में नगरवासी बखूबी जानते हैं। कल एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, काफ़ी उम्रदराज थे, वो मुझसे कह रहे थे कि फलाने साहब की रैली में बहुत सारे लोग थे, और जब वो मुझसे मिलने पहुँचे तो मैंने उन्हें कहा, दरअसल आप ये रैली जो निकाल रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन जो कर रहे हैं, इतने लोग जो दिखा रहे हैं, आप अपना शक्ति और आदमी नहीं दिखा रहे हैं कि कितने आदमी आपके साथ हैं, कितने वोटर आपके साथ हैं। आप दिखाना ये चाह रहे हैं कि आपने नगर को कितना लूटा है, जो आप ये भाड़े की भीड़ मंगा रहे हैं, 500 आदमी मंगा रहे हैं, 1000 आदमी मंगा रहे हैं। किसी को भाई साहब इतना फुर्सत नहीं है कि आपकी रैली में आएंगे, वो अपना काम छोड़ कर आ रहे हैं। वैसे लोग बिल्कुल निर्दोष हैं, वो आपके लिए पूरा दिन दे रहे हैं, तो आप उसको मेहनताना दे रहे हैं। लेकिन आपको सख्ती प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है भाड़े की भीड़ दिखाकर, जो आपके समर्थक है, बेहतर हो आप उनको ले जाएं, ये भाड़े की भीड़ से जनता वाकिफ है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी आपको वोट मिले और आप जीत प्राप्त करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।